मूसा शिक्षक लगन पवी कटिहार और अमन कुमार मोने सिवान ये पहुंचे हैं। इधर कलाकार सारे आएंगे, तार को भी होंगे तो भी दो घंटा पूरा घूम जाएगा। आप लोग देखो आगे बैठ जाएंगे, आगे बैठो, कहीं भी देख सकता है। ये जयनाथ सिंपली क्लब का ये इस साल का जो एक तरफ लोग से मुक्ता हुआ इस साल का जमीन खराब करे इसमें तो क्या है। नहीं अभी आने वाला है सब। मुकेश जी अगर मेरी बात सुनाई दे रही है तो चेयर के पास आ जाए। ड्यूटी जो ड्यूटी लगी अपने ड्यूटी में हाजिर हो जाएंगे ताकि कुछ मेहमान भी अपने जय माँ चिन्नपुर्णी क्लब के जितना भी मेम्बर हैं सबको नमस्कार। शाहजी ये जय माँ चिन्नपुर्णी क्लब हर साल दुर्गा पूजा छठ पूजा और जो है ना ये सारे धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है ना। इस बार हमारा जय माँ चिन्नपुर्णी क्लब के तन मन और धन के साथ इस बार जो योग दे रहे हैं ये मिंटू पाठक जी अंके इनको जो है ना इस साल प्रधान बनाया गया। सर जी हमारा जय माँ चिन्नपुर्णी क्लब कोई भी साल में ऐसे प्रोग्राम नहीं किए, इस बार जो प्रोग्राम इतने कर रहा है सर जी ये तो तारीफ के लायक है, क्योंकि हमने 8 साल से प्रोग्राम कर रहे सर, ऐसे कभी प्रोग्राम हम लोग नहीं दे पाए। लेकिन जब से हम लोग का मिंटू पाठक जी हम लोग इस जय माँ चिन्नपुर्णी क्लब के प्रधान इनको सौंपाया गया तब से सर जी इस क्लब को आगे ले जाने के लिए ये भाई ने दिल से और तन मन धन से आगे बढ़ा रहे हैं। इस भाई के लिए हम अब क्या कहें, हम जितना भी कहेंगे सर जय माँ चिन्नपुर्णी क्लब के सारे मेंबर की तरफ से उतना ही कम है, क्योंकि ये भाई ने दिन को दिन नहीं किए सर और रात को रात नहीं किए। और इसमें साथ में मुकेश श्रीवास्तव जी, नमन जी और ये राजू भाई, शुक्ला जी, बबलू जी, ठीक है सर, सारे जो जितना भी मेंबर है बिपिन जी, जाकिर भाई, जोहर शर्मा जी, जितना भी मेंबर है सर सब तारीफ़ लायक है हमारा मेंबर। और हर साल सर हम लोग चाहते हैं मिंटू भाई से जो हर साल तन मन धन के साथ सारे मेंबर को साथ में लेके हमारा जय माँ चिन्नपुर्णी क्लब का नाम आगे करे और दिल से इस क्लब में इतना मेहनत करे, एक क्लब आगे से आगे बढ़े, आगे से आगे बढ़े और इनका नाम भी चलते रहे, ये बोल के मैं मुकेश श्रीवास्तव जी को बोलने के लिए कृपा कर रहा हूँ। सर सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं मंटू पाठक इस जय माँ चिन्नपुर्णी क्लब का 2022 का प्रधान हूँ और 3 साल से जिस प्रकार मैंने अपना व्यवस्था छठ मैया के किया हूँ, अगर इसी तरह हमारा भाई मेंबर और समाज का सहयोग रहा तो मैं इस आगे साल इससे भी विशेष धूमधाम से छठ पूजा के प्रोग्राम करेंगे और सब भाई को स्वागत करेंगे। सर क्या क्या करोगे क्लब के लिए, क्या व्यवस्था बनाओगे? व्यवस्था में सारे एक तो जागरण है, उसके बाद में व्रतधारी लोगों को बैठने का, रात को रहने का व्यवस्था, उसके बाद हमारे जो बाहर का गेस्ट आए हुए हैं उनको रहने का व्यवस्था, वो अनेक प्रकार के हम व्यवस्था देंगे जो कि कोई तरह के कमी ना हो, और खाने का भी लंगर का भी व्यवस्था करेंगे और व्रतधारी को चाय हलवा का भी व्यवस्था किए हैं, अभी सुबह में बांटेंगे व्रतधारियों का। सर मैं मुकेश कुमार श्रीवास्तव
जय मां चिंतपुर्णी क्लब के संस्थापक। इस साल मेरा 8वां साल है, जो 8 साल के अंदर में हमारी चिंतपुर्णी क्लब के आज तक जो भी फंक्शन हुआ, बड़ी चढ़-बढ़ के हम लोग उतरा। अपनी सोच यही है कि इस साल से 2022 के आगे जो चिंतपुर्णी क्लब, जो हमारे प्रधान मंटू जी ने कहा है कि किसी की लड़की की शादी हो, चाहे किसी गरीबी हालात में हो, चाहे किसी तरह कोई भी समस्या हो, इसके बारे में अगर क्लब को बताएगा, इस पर हमने मीटिंग रखकर उसके सहयोग करेंगे। दूसरा, एक और चिंतपुर्णी क्लब के ही बल्लो BGS स्कूल के जो चल रहा है, उसमें भी बोला गया है कि जिसके माँ बाप नहीं हो, अगर वो चिंतपुर्णी क्लब के थ्रू आता है तो उसको बच्चे को फ्री एंड कॉस्ट जहाँ तक स्कूल में फ्री सेवा पढ़ाई जाएगी। हाँ जी सर, देखिए छठ पर्व के लिए जो व्यवस्था के लिए हमने जो किया है, इस साल तो पिछले साल अपेक्षा हमने थोड़ा सा 60% ऊपर है। अगर परमात्मा ने सही सलामत रखा तो इससे बढ़ चढ़ करके दूर तक की हमने सेवा दी जाएगी, ताकि उसको रहने से लेकर हर चीज़ का व्यवस्था की जाएगी। और